हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। गीता कॉलोनी थाने की टीम ने आरम पार्क से एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। चोरी की एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद की। सहादर जिला के डीसीपी रोहित मीना ने रविवार की सुबह 10:11 पर मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि गीता कॉलोनी थाने के SHO संजय भट्ट की देखरेख में एक टीम जिसमें हेड कांस्टेबल सुनील कुमार और कांस्टेबल कमलेश थे, जो कि 1 अप्रैल की सुबह 11 बजे शास्त्री नगर आरम पार्क में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान आरम पार्क की गली नंबर 2 की तरफ से एक स्कूटी पर 2 संदिग्ध लोगों को आते हुए देखा। उन्हें रोकने का इशारा किया मगर वह रुके नहीं, भागने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस ने पकड़ लिया। मगर 2 आरोपियों में से 1 आरोपी फरार हो गया और 1 को पकड़ लिया। पकड़ने के दौरान स्कूटी का दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दिखा सका। स्कूटी के नंबर का सत्यापन करने पर वह चोरी की पाएगी, जो कि 29 मार्च 2023 को मंडावी थाना क्षेत्र से चोरी की मिली, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया और ये भी कहा कि उसने पहले भी जगतपुरी थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल भी चोरी की थी, जो कि 22 अगस्त 2022 को चोरी की थी। वह चोरी की मोटरसाइकिल आरोपी के घर यानी रसीद मार्केट से बरामद की। वहीं आरोपी का दूसरा साथी फरार है, उसे पकड़ने का प्रयास भी जारी है। आरोपी की पहचान वसीम अकरम पुत्र अलीमुद्दीन रहने वाला रसीद मार्केट खुरेजी खास का, इसकी उम्र 21 साल है, जहां आरोपी से पूछताछ जारी है।